नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। पटना में बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आम लोग तो आम, यहां पर राजनीतिक पार्टियां भी सुरक्षित नहीं है। राजधानी पटना में चैन स्नेचिंग का विरोध करने पर कुछ बदमाशों ने बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की हत्या कर दी है। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए लोगों को मंगल तालाब के पास शव दिखा तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी के अनुसार रविवार को नेता श्याम सुंदर के बेटे का 6 का सगाई था। वह अपने कुछ रिश्तेदारों को छोड़कर लौट रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उनकी चैन छीनने की कोशिश करने लगे। श्याम सुंदर ने जैसे इनका विरोध किया तो एक बदमाश ने उनके सिर में गोली मारी और दूसरे ने चाकू से कई वार की, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों ने नेता को देखा तो पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में अपराधियों को पहले उनकी चेन छीनने का प्रयास करते हुए देखा गया। विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मारी और चाकू से वार किया। इसके बाद तीनों अपराधी चैन लूटकर वहां से बाइक पर फरार हो गए। पुलिस ने श्याम सुंदर हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की खोज की जा रही है। हत्याकांड की जांच में एसएफएल टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी सहायता ली जा रही है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज़।